हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल का इस माइनी में जादिल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट एनी एक्सटर्नल माइक और या तो फिर कोई हेडफोन जिसमें कि 3.5 mm जैक रहता है, या तो फिर कुछ इस टाइप का आपका जो ऑडियो स्प्लिटर रहता है वो हो गया, या तो फिर आपका कुछ इस टाइप का आपका यू शेप का ऑडियो स्प्लिटर ये हो गया, या तो फिर कुछ भी जो कि आप अपने आईफोन में कनेक्ट करना चाहते हो जिसके में कि 3.5 mm जैक है, तो आप उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो और उसकी 100% क्वालिटी कैसे ले सकते हो। अगर एग्जांपल लेकर चले तो अगर आपको बोया वीवो M1 या तो फिर कोई एक्सटर्नल माइक अपने आईफोन में कनेक्ट करना है तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले बात आप लोग ये जान लो, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे आप ऐसा सर्च करते हो लाइटिंग केबल टू 3.5 mm जैक, तो आपको हजारों एडाप्टर के लिस्ट मिल जाएंगे जो 200 के होंगे, 300 के होंगे, 500 के, बहुत सारे मतलब प्राइस वेरी वेरी करके आएंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप कोई सा भी ऑर्डर कर देते हो वहां से मतलब ऑनलाइन से, तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, जो भी 500-600 या तो 200-300 रुपए के होंगे वो आपका वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि वो उसमें डिटेक्ट करेगा ही नहीं और वो उसका यूज भी नहीं होगा। और 5% चांस है अगर वो कोई सा भी अगर यूज हो जाता है तो उसमें क्वालिटी मिलेगा नहीं, तो उसके गाइस आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऑफिशियल जो एप्पल मतलब प्रोटोकॉल बनाती है वो प्रोटोकॉल आपको खरीदना होगा जो कि मैंने ऑर्डर करा है। तो एप्पल की तरफ से ये आता है आपका ऑफिशियल लाइटिंग केबल टू हेडफोन जैक जो कि ऑफिशियल एप्पल इसे बनाती है, ये अप्रोक्सीमेटली 899 रुपीस के मिलेंगे। इसकी ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फ्लिपकार्ट पे 900 रुपए लगभग के आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये ऑफिशियल प्रोडक्ट है जिसे यूज करके आप एक्सटर्नल माइक भी यूज कर सकते हो, हेडफोन भी यूज करते हो। तो सबसे पहले बता दें इसमें आप लोगों को क्या मिलता है, आप जैसे इसे मतलब आपके घर पे ये आ जाएगा तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट है। तो उसके बाद फिर आपको कुछ इस टाइप का अंदर में कागज पत्र मिलेंगे, ये ऑफिशियल मतलब आईफोन की तरफ से एप्पल की तरफ से, तो इस वजह से इसमें कुछ काफी ज्यादा आप जैसे ही मतलब पैकेट पर उसी समय आपको क्वालिटी फील हो जाएगी। और फाइनली जो मेन चीज है वो आपका है बिल जो कि 899 रुपीज के आप लोग काफी ज्यादा महंगी मिलेंगी, लेकिन अगर आप सस्ता वाला माल मंगा लेते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से 200-300 रुपए वाले, तो वो मैं पहले बता दूं वो काम नहीं करेंगे, आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जितनी बार भी मंगा लो वो काम नहीं करेंगे। तो ये आप लोग कुछ देख सकते हो, ये ऑफिशियल मतलब तो रिसीव्ट है जिसमें कि 899 रुपीस है, आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जो कि ये है आपका लाइटनिंग केबल 2.5 mm जैक है, हेडफोन जैक जो कि ऑफिशियल आता है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का इतना छोटा सा, आप लोग देख सकते हो इसकी कीमत 900 रुपए है। लेकिन आप गाइस जैसे इसे मतलब फील करोगे इतनी अच्छी मतलब क्वालिटी है, प्लास्टिक की है लेकिन आपको मेटल वाली फील आएगी, इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो इसके मदद से जो आपका ऑफिशियल आता प्रोडक्ट, इसके मदद से आप कोई भी मतलब एक्सटर्नल माइक जैसे कि बोया वीवो M1 हो गया इसे आप यूज कर सकते हो, या तो फिर कोई हेडफोन यूज कर सकते हो और काफी अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी मतलब सैंपल दिखा देता हूं जो कि मैंने बोया का एक्सटर्नल माइक आईफोन 7 प्लस में रिकॉर्ड करा है। एक बार आप लोग देख लो विदाउट माइक की कैसी सैंपल आती है आवाज, और फिर देख लो विद माइक की जो कि हम लोगों ने इसके अडैप्टर का यूज करके हम लोगों ने वीडियो बनाया वो आप लोग देखो। सबसे पहले देखो आईफोन 7 प्लस की इनबिल्ट जो माइक्रोफोन है उसकी आवाज कैसी है। तो गाइस ये है ऑडियो सैंपल 1 जो कि हम लोग आप जो आईफोन 7 प्लस उसका इनबिल्ट माइक्रोफोन यूज करें, और जो डिफरेंस है मोबाइल की वो मेरे एक हाथ की दूरी है वहाँ पे मैंने मोबाइल से उतारा। तो अभी विदाउट ये माइक के हो रहा है जो मतलब मोबाइल का इनबिल्ट माइक्रोफोन है उससे आ रहा है, ये है ऑडियो सैंपल विदाउट एडिट। तो गाइस आप लोगों ने देखा इनबिल्ट माइक्रोफोन की कैसी आवाज है। अब आप लोग देखोगे इस अडैप्टर का यूज करके जो कि मैंने अपना एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करा बोया वीवो M1, तो अब आप लोग देखो टेस्ट नंबर 2। तो गाइस ये है ऑडियो सैंपल 2 जो कि अभी हम लोग मतलब अपना एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हैं आईफोन 7 प्लस में जो कि हम लोग ने अपना लाइटनिंग केबल करा उसके थ्रू। तो अभी आप लोग सुन सकते हो आवाज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और माइक अभी एक हाथ के इतना दूर है जो कि बोया वीवो M1 है। अब मैं माइक को क्लोज मिला के दिखाऊंगा कितनी अच्छी आवाज़ आती है। मैं जो माइक को मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज में यूज़ कर रहा हूँ, लाइटनिंग केबल जो ओरिजिनल केबल है और माइक भी मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो आवाज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आती होगी, और ये जो आवाज़ है वो नॉन एडिटेटेड है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को, मज़ा आया ना, आवाज़ साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो ये मेन चीज़ है ऑफिशियल प्रोडक्ट यूज़ करने का, अगर आप इसे यूज़ करोगे तभी आपको ऐसी क्वालिटी मिलेगी। तो मेरा रिकमेंड रहेगा 200-300 रुपए वाले मत लेना, वो लोगे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसी के लिए एक बार इन्वेस्ट करना। और हाँ इसका कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होता, जबकि ये एप्पल की तरफ से आती है लेकिन इसका कोई रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं रहता है, तो ये बात आप लोग जान लो। 900 रुपए का मैंने लिया, आप लोगों को भी इतने का पड़ जाएगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।